लड़ा नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। टीएटी के नेक्स्ट फेज में आते हैं, पिक्चर नंबर 717 स्मॉल कॉज एंड इफेक्ट इन टीएटी। स्मॉल कॉज और इफेक्ट को इंटरप्रेट कर दूं और स्मॉल अमाउंट ऑफ फायर विल ओनली क्रिएट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं छोटे में समझा दूं, 0 वाट का बल्ब कम रोशनी देगा, 5 वाट का बल्ब उससे ज्यादा देगा, 10 का ज्यादा देगा, 15 का ज्यादा देगा, 25 का ज्यादा देगा। इस प्रकार से जैसे जैसे उसको इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रोशनी बढ़ती जाएगी। लला टीएटी को समझ लो कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। हमको एक वॉरियर चाहिए, योद्धा चाहिए, ट्रबल शूटर चाहिए, हमको क्राइसिस लीडर चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं टीएटी के माध्यम से। आप देखो, ये नदी और ये पहाड़ और ये एक्सीडेंट, आग, पानी, बाढ़, ऑपरेशन, ये क्यों हम दिखाते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से हम एक आदमी की तलाश में है जो युद्ध लड़ सके। द सिस्टम वुड लाइक टू फाइंड आउट ए पर्सन हु इज ए ट्रबल शूटर, हु इज ए वॉरियर, हु इज ए क्राइसिस लीडर, हु इज हैविंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जरा इस पर चलें, उसके पहले एक छोटा सा हल्का फुल्का सा शेरशायरी हो जाए। बसीर बद्र की ये शायरी है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो वरना वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर से निकल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। कितनी सच्चाई से आकर कह दिया इस जिंदगी ने कि तू नहीं सही तो कोई और मिल जाएगा। लला आगे बढ़ते हैं, ये सिचुएशन देखिए, 717 है, एक आदमी बैठा हुआ है और मैं लड़के को बोलता हूं कि ये सिचुएशन को पहले पढ़ ले। बोलो लला, पढ़ो। ए वेल ड्रेस्ड एजेड पर्सन, अ वेल ड्रेस्ड एजेड पर्सन बिटवीन 45 to 50 सीम्स टू बी इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी लाइक प्रिंसिपल, ट्रस्टी एक्सेट्रा, इज सिटिंग इन हिज ऑफिस। He is holding a pen that seemed to be a progress report or any chart, notice, etc. in his left hand. And 4 youngsters, aged between 20 to 25, in the similar dress, are standing in front of him. It reveals that authority has called or summoned them on the basis of submitted report. Interpretation of the situation. Apollo, the stimulus reveals that they are looking towards the principal or authority, but authority is not looking at them. This stimulus further reveals that they are being questioned and they are answering, but authority is not satisfied. You being the candidate, you have to find out answer from the stimulus that which situation has compelled to bring the situation at it this place. This is the first thematic question you have to answer. After having called in the office, they have to explain the cause, means they have to answer what led to the situation. Thereafter, they will convince the authority about the action, and according to the action, they will undertake the challenge and complete the issue. That will be the answer for the second question, what is happening, and the completion of task will be the answer of what will be the result of happening. A story written by Sasank Anand. Apni story padho aap. Aman, Rahul, Ashish and Karan were 4 classmates. They were creating noise in the classroom and disturbing the other students. Their class teacher took them to the principal office. The principal asked them to write apology letter for what they have done. Aman with his friend wrote a proper apology letter and submitted to the principal that they would never commit it again. लड़ाई इंटरप्रेशन इसका यह है कि द स्टोरी इज रेलिवेंट टू द सिचुएशन। लड़के ने जो स्टोरी लिखी है दैट हैज द रिलेशन विद द ओबियस और द स्टिमुलस। मेनी देयर बाय बोथ द पार्टीज वन एंड पार्टी टू आर हैविंग द लिंक विद द स्टिमुलस। दोनों का प्रेरक से उद्वेलक से संबंध है। इट वुड फर्दर मीन दैट करस्पॉन्डेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज
आगे बढ़ते हैं भाई, इज रिलेवेंट टू द सिचुएशन। दोनों पार्टी आपस में जो डिस्कशन कर रही है वो सिचुएशन से रिलेवेंट है और वो स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। इवन द टास्क क्रिएटेड बाय द कैंडिडेट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, कैंडिडेट ने जो टास्क किया है वो भी एक्सेप्टेबल है पैरामीटर में। दिस स्टोरी हैज गॉट ओनली वन प्रॉब्लम, दैट इज द कॉज इज स्मॉल सो द इफेक्ट इज आल्सो स्मॉल। अगेन आई से that this task does not have warranting or summoning challenge to bring the leadership qualities at full course. For example, a small amount of fire will create only a small amount of energy. लला अब हम पिक्चर पर बैक जाते हैं, फिगर को, पिक्चर को दिखाओ भाई, हम आपको इंटरप्रेट कर देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लला देखो, if the man sitting on the chair, ये ही इज इन द पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। चार लोग खड़े हैं और चार लोग एक ही ड्रेस में हैं, उसके हाथ में कलम है और बाएं हाथ में कोई रिपोर्ट है, कोई पेपर है, कोई चार्ट है, कोई प्रोजेक्ट है। ये चारों लोग अथॉरिटी की तरफ देख रहे हैं लेकिन अथॉरिटी इनके तरफ नहीं देख रही है। लला यहीं पर स्टूलस का जन्म हो रहा है, बस इसको समझ लो, आप समझ लेंगे कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन समझ लेंगे आप, तो व्हाट इज करंटली हैपनिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टिमुलस कैसे क्रिएट हो रहा है अगर उसको समझ लें, उसमें कितना बल देना है, कितना चैलेंज देना है, उसमें कितनी सीवियरिटी देनी है, उसमें कितना स्ट्रेस देना है, उसमें कितनी डिग्री की प्रॉब्लम भरनी है, ये आपको समझ में आ जाएगा तो टीएटी में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। यही आप जिसको मैं बार 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 इतनी 8 किताबें लिखने के बाद ये समझाने का प्रयास करके मैं इस सफल होना चाहता हूं कि आपको विधिवत समझा दो, टीएटी की प्रॉब्लम इस कंट्री से खत्म हो जाए। देखो लला, देखो प्रिंसिपल कन्विंस नहीं है तभी तो इनके तरफ देख नहीं रहा और ये चारों लोग उसके तरफ देख रहे हैं। जिस डिग्री से, अमाउंट से, जिस सीवियरिटी से, जिस गंभीरता से चारों लोग प्रिंसिपल की तरफ देख रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लला यहां पर प्रेरक का, उद्वेलक का या सुमरस का जन्म हो रहा है एंड दिस इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन। इसके बाद ये शोर करेंगे कि हम ये एक्शन करेंगे और इतने देर में कर लेंगे। लला एक चीज को मैं फिर से रिपीट कर लूं, द इंटायर एक्सरसाइज, द इंटायर डॉक्ट्रिन, द इंटायर फिलॉसफी ऑफ द टीएटी इज how the problem was created or how the problem got originated and how it was solved. Principal इधर देख रहा है, ये लोग principal की तरफ देख रहे हैं, यहीं पर problem create हो रही है, इसका मतलब satisfied नहीं हो रहा हो, यहां पर students create हो रहा, यहां what led to the situation create हो रहा। अब ये create हो गया, इसको आपको answer करना है। इसको answer करने के साथ साथ ध्यान रखना है कि किस प्रकार की स्ट्रेस की डिग्री रखें ताकि चैलेंज आ जाए, ट्रबल आ जाए, ताकि जब हीरो उस ट्रबल को सूट करे तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आ जाए। उस बच्चे से इतनी सी गलती हुई है कि इसने द वॉट एवर अमाउंट एंड डिग्री ऑफ स्ट्रेस द बॉय हैज परसीव्ड दैट इज वेरी स्मॉल। ये क्लास में लड़के केवल हल्ला कर रहे थे। स्टोरी बहुत अच्छी है, करेक्शनल है, हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम पैरामीटर में उसको डालने के लिए और इसको नंबर देना चाहते हैं, उसमें हमको परेशानी हो रही है। ये फेल केस नहीं है लेकिन पास करने में हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत को आप समझ ले जाएंगे तो आप टीएटी में पास हो जाएंगे। इतना डिग्री क्रिएट कर ले कि एक जो आदमी लीडर इसमें बने उसको चैलेंज हो, उसको लो, उसको टफ लगे, उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, उसको रिग्रेस एफर्ट करना पड़े, उसको टीम को साथ लेनी पड़े, उसको हार्डवर्क करनी पड़े, तब चैलेंज के लिए ये सब रिक्वायरमेंट है। वो नहीं कर रहा है, केवल नॉइज हो रहा है क्लास में। लला एसआरटी और टीएटी में एक अंतर बता दें आपको, टीएटी इज द कलेक्शन एंड गैदरिंग ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स, पेटी प्रॉब्लम्स, बट टीएटी इज अ प्रॉब्लम बियॉन्ड रूटीन। दिस प्रॉब्लम इज रूटीन प्रॉब्लम, नॉट द बियॉन्ड रूटीन। क्लास में लड़के हल्ला कर रहे हैं तो इतना ज्यादा तलब नहीं होगा, वो लड़के बोले वो सॉरी
सारी क्या ओके गो। लेकिन कोई बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा ये क्रिएट करने में बच्चा है, इमेजिन करने में इसे भूल हो गई है, और इसमें कोई बात नहीं। लला मेरे यहां आप कभी भी आ सकते हैं पढ़ने, मैं आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर दूंगा। ये बिहेवियर पैटर्न बेस्ड सिलेक्शन है, पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है, नॉलेज बेस्ड नहीं है। नॉलेज उतनी चाहिए जितनी बेसिक नॉलेज की आवश्यकता हो। 8 किताबें लिखी हैं, तमाम उस पर फोन नंबर है, उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी दिन आप सैटरडे को, मंडे को, बृहस्पति को आ सकते हैं। थोड़ा सच में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हम कोचिंग देने नहीं बैठे हैं, हम आपको पर्सनालिटी को ग्रुप कर देंगे, जहां जहां आपको दिक्कतें हैं उसको हटा देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सॉरी, थैंक यू, कोई गलती हो तो त्रुटि हो तो माफ करना। थैंक यू।